नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छी प्लाई, मतलब एक डिसेंट सी जो प्लाई होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो हल्की प्लाई होती है, जो कम रेट वाली प्लाई है, वो कैसे बनाई जाती है। तो जो ये वाला वीडियो और वो वाला वीडियो साथ में देख लीजिएगा। अगर आपने वो देख लिया है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी देखिएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई जो हल्की प्लाई होती है वो कैसे बनती है। तो जो प्लाई बनाने का, अगर आपने पहले मेरा वीडियो देखा हुआ है तो उसमें आपको आइडिया होगा कि प्लाई कैसे बनती है। लकड़ी ली जाती है, जैसे हम पेंसिल छीलते हैं वैसे उस लॉग में से, लकड़ी के लॉग में से उसको छील करके वीनियर निकाला जाता है। जब वीनियर निकाला जा रहा होता है तो काफ़ी बार लंबा अच्छा सलंग वीनियर निकल जाता है, कहीं पर बीच में टूट के वीनियर निकलता है, कहीं पर खराब लकड़ी का वीनियर निकलता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा खराब लकड़ी का वीनियर निकलता है, और कभी बहुत अच्छा वीनियर भी निकलता है। तो ये जो अलग अलग तरीके का वीनियर निकलता है, फिर इसको जो कंपनीज होती है जो अच्छी प्लाई बनाती है, उसको जो 8x4 की जो साइज होती है प्लाई बनाने की, नॉर्मली जो साइज होती है 6x4 की, 6x3 की, दूसरे साइजेस की भी प्लाई आती है, तो जो भी साइज की उनको प्लाई बनानी होती है उस साइज के अच्छी क्वालिटी के जो वीनियर होते हैं उनको कट कर लेते हैं। कट करके फिर क्रिस क्रॉस एक वीनियर इस डायरेक्शन में और दूसरा वीनियर इस डायरेक्शन में, जो भी एडहेसिव उसमें लगाना है, जैसे आप मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई बनाना है तो यूरिया, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड का एक कॉम्बिनेशन आता है वो बनाते हैं, और वाटरप्रूफ बनानी होती है तो फिनॉयल फॉर्मल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन होता है, उससे प्लाई को चिपकाने के काम में लिया जाता है। तो उसमें पहले ग्लूइंग की जाती है और ग्लूइंग करके फिर एक के ऊपर दूसरी ये जो पत्ते रखे जाते हैं, पत्ते रख करके फिर उसको क्योरिंग के लिए एक प्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर के साथ इसको लगाया जाता है, और उसको हॉट प्रेस करके, गर्म करके, या अलग अलग प्रोसेस होते हैं, थोड़ी इंप्रूव्ड और ज़्यादा बढ़िया प्लाई होती है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में या ठंडा करके भी इसको प्रेस किया जाता है। तो ये जो पत्ता जब सिलेक्ट करते हैं इसमें, फिर आप समझ लीजिए कि एक गर्जन करके प्लाई आती है, लकड़ी आती है, उसको ऐसे माना जाता है कि वह सबसे बढ़िया। और सेकंड जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्लाई बनाने में वो है पॉपुलर का पेड़, जो जल्दी उग जाता है, फटाफट उगता है, तो वो अच्छी चीज़ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉपुलर लगा करके ऊपर नीचे फेस में गर्जन लगा देते हैं, कितना गर्जन है उस पर भी फर्क पड़ता है, वो एक अलग मैटर है जिसके बारे में कभी दूसरे वीडियो में बात करते हैं। अभी सिर्फ ऐसे बात करते हैं कि जो वीनियर या जो पत्ते जो लगते हैं, जो लेयर्स है लकड़ी के, वो लगाते समय क्वालिटी में कैसे डिफरेंस आता है। अब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जिस साइज़ की प्लाई है उसी साइज़ के पत्ते छांट के कंपनी ने, और जो भी थोड़े अंडर साइज़ है, गलत साइज़ के हैं, उनको वो डिस्कार्ड कर दे और बिल्कुल फुल साइज़ के पत्ते यूज़ करके प्लाई बनाते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया और अच्छी प्लाई बनेगी। क्योंकि हर जगह पे पत्ता है, हर जगह पे यूनिफॉर्म जो है वो लेयर बना हुआ है प्लाई का, तो ये एक अलग ही स्टैंडर्ड की प्लाई बन के निकल के आएगी। फिर भी इसमें थोड़ी सी आप कॉम्प्रोमाइज़ मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए 8x4 का बोर्ड बनाना है, तो 4x4 के अगर यूनिफॉर्म साइज़ वाले पत्ते हैं तो उनको एकदम बिल्कुल प्रॉपरली जिम्मेदारी से अगर रख के और उनको किसी तरीके से आपस में कनेक्ट करके फिर अगर प्लाई बनाई जाती है तो भी क्वालिटी में मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपने गैप नहीं छोड़ा कहीं पर भी। तो ये थोड़ा सबसे ऊपर वाले से थोड़ा अपन नीचे आ गए, या थोड़े लंबे लंबे अलग अलग साइजेस के हैं और उनको बिल्कुल यूनिफॉर्मली बीच में कोई छोटा टुकड़ा डाल करके भरा नहीं गया है, जैसे कहीं पे आप मान लीजिए इस तरीके से गैप आ गया, अभी बीच में छोटा सा गैप आ गया, वहाँ एक और अलग से छोटा पत्ता रख दिया, तो वो यूनिफॉर्मिटी प्लाई को नहीं देगा, थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, कहीं से प्लाई ऊँची रहेगी, कहीं से प्लाई नीची रहेगी जब आप प्लाई खरीदेंगे तब। जैसे आप सपोज मान लीजिए आपने 18 mm की प्लाई खरीदी, तो वो पूरा बोर्ड जो है वो कहीं से 18 mm का रहेगा, कहीं से 16 mm का रहेगा, कहीं से 16.5 mm का रहेगा, कहीं पे 19 mm का रहेगा, ऐसा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैंने एक छोटा सा, एक ब्रीफ सा वीडियो बनाया है ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लगे कि अच्छी प्लाई में और हल्की प्लाई में क्या फ़र्क होता है। और उसमें जैसे वाटरप्रूफ प्लाई बनानी होती है तो थोड़ा एडहेसिव की जो क्वालिटी होती है वो अलग यूज़ की जाती है, और नॉर्मल जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई बनानी होती है तो उसकी एडहेसिव की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट यूज़ की जाती है। अब इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड है उसके बारे में, और जो आजकल काफ़ी इंडिया में भी थोड़ी उसकी अवेयरनेस आ गई है कि प्लाई में से जो फ्यूम्स निकलती है और वो हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, इसके बारे में भी एक अलग वीडियो में बात करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल हो या आपके पास कोई इनपुट हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। ढंग का खाना खाया कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, लिफ्ट का प्रयोग कम कीजिए, साइकिल चलाइए, आजकल साइकिल का बहुत क्रेज़ है। अपने आप को स्वस्थ रखिए, फिट रखिए। और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।